हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आपके लिए दो रंग में क्रोशे से खूबसूरत से डिज़ाइन, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है और सिर्फ आपको एक ही जैसा बुनना है दोनों कलर से। येलो और ये जो मैंने पर्पल कलर लिया है, दोनों की बुनाई एक ही जैसी होगी, मतलब येलो की जैसी होगी और बैंगनी की जैसे हम बैंगनी बनाएंगे वैसी ही होगी। ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। देखने में आपको टफ लग रही होगी मगर है बहुत प्यारी डिज़ाइन। चलिए फटाफट इस डिज़ाइन को बनाना सीख लेते हैं। देखिए कंट्रास्ट मैंने पर्पल और येलो कलर लिया है और देखिए हमें 3 का मल्टीपल + 1 स्टिचेस चाहिए, तो 3 का मल्टीपल और + 1 की चैन बनाने के बाद इस तरह से डबल क्रोशे की आपको रो बना लेनी है। और देखिए फर्स्ट रो, चाहे आप डार्क कलर को बीच में रखें या लाइट कलर को, देखिए यहाँ पे मैं लाइट कलर को ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे येलो कलर को हम जोड़ लेते हैं पहले, देखिए इस तरह से। ये जिस साइड हमने ये ऊन छोड़ा है उसकी अपोजिट साइड में हमें यहाँ पे येलो कलर ऐड करना है। जोड़ने के लिए ये जो हमारा सेकेंडरी कलर है इसमें हम इस तरह से इस गांठ लगाएंगे पहले, ये देखिए गांठ लगा लेंगे। अब ये देखिए जहाँ पे हम जब हम चैन बनाने के बाद स्टार्ट करते हैं तो पहले हम 3 चैन बनाते हैं, जो थर्ड वाली चैन है इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। ये अब ये ऊन हमारा इस साइड आ गया। अब यहाँ पे पहले हम 4 चेन बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे स्किप करेंगे, थर्ड वाले डबल क्रोशे पे हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, देखिए फिर हम 1 2 3 इस बार 3 चेन बनाएंगे और फिर 1 2 2 स्किप करेंगे और थर्ड वाले में हम एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे, देखिए फिर 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे, 1 2 स्किप करेंगे और थर्ड वाले पे देखिए 1 2 और थर्ड वाले पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 2 3 अगली बार 3 बनाएंगे, फिर 2 स्किप करेंगे और थर्ड वाले पे। तो एक बार हमें 4 चैन बनानी है और फिर एक बार हमें 3 चैन बनानी है, नीचे हमें 2 2 डबल क्रोशिया स्किप करना है। तो ऐसे ही हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हम लास्ट में आ गए और हमने यहाँ पे 4 चैन बनाई है, तो 4 चैन को देखिए जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे से ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम 4 चेन बना लेंगे, देखिए 1 1 2 3 4 4 चेन बना के इसे छोड़ देंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे टर्न करना है। अभी जो पर्पल कलर का ऊन है, ये देखिए ये जो पर्पल है इसे हम इस तरह से लेंगे। अब देखिए जो 4 डबल क्रोश 4 चैन वाली जो स्किप है, ये जो चैन स्पेस है ये हमारे पास है, यहाँ पे हम पहले 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 3 चैन हमने बनाया। अब 3 चैन हम चैन स्पेस के लिए बनाएंगे, 1 2 3 तो यहाँ पे हमने 6 चैन बनाए। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशे स्किप किया था, देखिए 3 चैन वाले स्पेस पे ये स्किप करेंगे, यहाँ पे 4 चैन है, 4 चैन 3 चैन, तो 3 चैन वाले में पहले 1 डबल क्रोशे पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से आपको ले लेना है। फिर उसके बाद 1 डबल क्रोशिया इन दोनों के बीच में से बनाएंगे, देखिए बीच में से, इन दोनों के बीच में से इस तरह से, ये देखिए फिर 1 डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाले बनाएंगे, देखिए फिर 1 2 3 3 चैन बनाएंगे, फिर देखिए ये स्किप करेंगे, 4 चैन वाला स्किप करेंगे, जहाँ पे 3 चैन बनाई है वहाँ पे जाएंगे, देखिए 2 डबल क्रोशिया है तो पहले तो इसमें बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर एक हम दोनों के बीच में से बनाएंगे, देखिए इस तरह से, फिर एक हम अगले डबल क्रोशे के ऊपर बना लेंगे, फिर 3 चैन 1 2 3 3 चैन, फिर नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके नीचे से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक जस्ट बगल से, देखिए फिर 1 2 3 देखिए इस तरह से ये जो है हमारा इस तरह से बन जाएगा, देखिए डिज़ाइन इस तरह से बनेगी, 3 चैन फिर से वापस से इसमें हम 1 डबल क्रोशिया एक नीचे से बनाएंगे, फिर एक यहाँ बनाएंगे, फिर 1 2 3 3 चैंस, फिर यहाँ, तीन चैन हो गया, फिर 1 2 3 यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे और ये जो हमने इस जहाँ पे इस फर्स्ट वाला जहाँ पे ये जोड़ा है वहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 डबल क्रोशिया इसे स्किप छोड़ देंगे। अब फिर से येलो पर देखिए, ये जो येलो वाली रो है उस पर हम आ जाते हैं, येलो वाले को हम ले लेंगे, देखिए इस तरह से,
अब देखिए यहाँ पे हमने ये चार चेन बनाई थी, तब चार चेन बनाने के बाद फिर हम तीन चेन बनाएंगे। देखिए हमें चार चेन बना छोड़ा था, फिर 1 2 3 3 बनाएंगे। और फिर देखिए ये जो जो हमने तीन डबल क्रोशिया बनाए, तो पहला वाला डबल क्रोशिया इसमें हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चार चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 फोर चेन बनाए, फिर वापस से इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए सेकेंड वाले में देखिए, फिर उसके बाद 1 2 3 तीन चेन बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया है, तीन डबल क्रोशिया है, तो पहले और दूसरे के बीच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 फोर चेन, और फिर वापस से नेक्स्ट दो डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 2 3 फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से। बस यही दो आपको रो आपको बार बार रिपीट करनी है। बैगनी कलर से डबल क्रोशिया बनाना है और येलो कलर से आपको इस तरह से लूप्स बनाने हैं। अब देखिए 1 2 3 4 फोर चेन बनाएंगे, फिर इसमें हम इसे बंद करेंगे, फिर 1 2 3 थ्री चेन बनाएंगे, और तीन चेन के बाद फिर वापस से देखिए इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 फोर चेन, फिर देखिए दो डबल क्रोशिया के बीच में फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 3 बाद फिर देखिए इसमें बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 फोर चेन, फिर यहाँ पे बना लेंगे, फिर 1 2 3 3 बनाया। अब देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, जो डबल क्रोशिया हमने पैगनी का बनाया उसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे चार चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 फोर चेन बना के इसे छोड़ देंगे। अब फिर हम पर्पल कलर पे आते हैं, देखिए इसे हम बैक कर देंगे। देखिए हमने इससे एक भी चेन नहीं बनाई हुई है, ये देखिए। तो यहाँ पे हम पहले 1 2 और 3 तीन चेन हमने बनाई, ये देखिए तीन चेन बनाने के बाद अब ये जो स्पेस है देखिए ये वाला ये इसमें हमें ये जो हमने लिया है इसमें हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है, चार चेन के बाद देखिए यहाँ पे 1 2 और ये 3, ये देखिए ये हमने तीन डबल क्रोशिया लिया, फिर 1 2 3 थ्री चैन, फिर ये जो स्पेस है इसमें हम तीन डबल क्रोशिया नीचे से बनाएंगे, देखिए 1 2 और ये 3 3, फिर 1 2 3 थ्री चैन, फिर नेक्स्ट पे देखिए आपको ये जो स्पेस है यहीं से आपको बना लेना है, 1 2 2 के बाद ये 3, ये देखिए। तो इसी तरह से बना लेंगे हम, इसे आपको बीच में रखना है इस तरह से, देखिए इसे हम बना लेते हैं पहले। ये देखिए हम इस लाइन के लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पे हम तीन डबल क्रोशिया बना लिया हमने, देखिए फिर एक और डबल क्रोशिया हम बना लेंगे यहाँ पे। अब इसे हम यहाँ पे इस तरह से छोड़ देंगे। अब देखिए फिर से हम येलो के पास आते हैं, यहाँ पे हमने फोर चेन बनाई थी, देखिए हमने फोर चेन बनाई थी, फोर चेन 1 2 3 4 अब यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3 तीन और चेन बनाएंगे। अब देखिए ये जो फर्स्ट में ही डबल क्रोशिया है इसी में देखिए 1 2 फर्स्ट और सेकंड के बीच में हमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 1 2 3 4 फोर चेन बनाएंगे, फोर चेन बना के फिर इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 तीन चेन, और फिर देखिए यहाँ पे दो डबल क्रोशिया के बीच में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 3 4 फोर चेन, फिर वापस से इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 3 के बाद इसमें नेक्स्ट में देखिए इस तरह से 1 2 3 4 चेन। तो इसी तरह से आपको ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, तो देखिए यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया के बीच में बनाया है, जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इस पर हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 फोर चेन बना के छोड़ देंगे, फिर पर्पल कलर ले लेंगे, टर्न हो जाएंगे यहाँ से। तो अब जैसे हमने पर्पल की रो बनाई है वैसे ही बनाना है पर्पल की रो, और जैसे येलो की बनानी है हमने वैसे ही हमें येलो की रो बनानी है। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखाती हूँ, सिर्फ दो ही डिज़ाइन है, देखिए अभी डिज़ाइन हमारी शुरू हो गई, देखते देखते आप कितनी खूबसूरत लग रही है। तो मैं थोड़ी सी आपको बना के दिखाती हूँ, ये देखिए ये मैंने
पांच डिजाइन बना लिए, पांच डिजाइन का हमारी डिजाइन इस तरह से दिखती है, राइट और रॉन्ग दोनों साइड से ये इसी तरह से दिखती है, बहुत ही खूबसूरत थी। बच्चों के स्वेटर के लिए डिजाइन बहुत ही प्यारी है। मुझे उम्मीद है कि आपकी डिजाइन पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो अपने किसी प्रोजेक्ट में डालिएगा, चाहे पर्स बनाइए, स्टॉल बनाइए। स्टॉल और शॉल के लिए बहुत प्यारी डिजाइन है, क्योंकि ये दो कलर में बनती है और दोनों साइड से आप देख सकते हैं, दोनों साइड से कहीं भी आपको राइट और रॉन्ग नहीं दिख रहा है, दोनों साइड से डिजाइन हमारी एक जैसी होती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। मुझे उम्मीद है आपको डिजाइन पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपकी डिजाइन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।